सबको नमस्कार। आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक नया विषय लेकर के। लेकिन विषय को प्रारंभ करने के पहले जो आपके प्रश्न हैं उनका उत्तर देना चाहूँगा मैं। डॉक्टर मूर्ति जी ने पूछा है लाइज फॉल्स के बारे में। तो लाइज फॉल्स इज नथिंग बट दे आर पैरासाइट, जो कि सिर के बालों में रहते हैं। जैसे डेंड्रफ होता है उसी प्रकार का यह लाइस फॉल्स भी है। ये स्कैल्प में रह करके ब्लड को चूसते रहते हैं, लेकिन ये हार्मलेस है, ये इन्फेक्टिव नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता। लेकिन बहुत क्लोज कांटेक्ट हो तो ये ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। इसमें रोगी को डिस्कम्फर्ट लगता है, डिस्ट्रेस लगता है, और ज़्यादातर यह रोग 3 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों में होता है। इसकी चिकित्सा वही है जो डेंड्रफ में हम करते हैं। खासतौर से त्रिफला चूर्ण 20 ग्राम लीजिए, इसमें 10 ग्राम पलाश बीज चूर्ण और 10 ग्राम बिडंग चूर्ण, इन तीनों को मिला करके बारीक चूर्ण करके कल्क बना लीजिए, और प्रत्येक तीसरे दिन या चौथे दिन इसका लेप पूरे शरीर में करें। आप देखेंगे 11 दिन के प्रयोग से ये लाइज फॉल्स दूर हो जाएंगे। कल्पना जी ने प्रश्न किया है नियोनेटल जॉइंटिस की, मदर को यदि दवाएं दी जाएं तो क्या हर्जा है। बिल्कुल दे सकते हैं। अगर बच्चे को जॉइंटिस हो गया है, नियोनेटल हो गया है, तो चूँकि फीडिंग तो मदर से ही करेगा, तो इसलिए उसमें आप जो जॉइंटिस की दवाइयां हैं वो दे सकते हैं, जिसका उल्लेख मैंने डिटेल कल किया था आपसे। सुनीता राणा जी ने प्रश्न पूछा है कि गर्भिणी कामला और गर्भिणी प्रमेह में क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो बिल्कुल देना चाहिए। बहुत तीक्ष्ण औषधि डायबिटीज़ में होती नहीं है। जहाँ कुटकी हो, निशोत हो, एरंडमूल हो, ऐसी तीक्ष्ण दवाइयाँ हो वो न दें। बाकी प्रमेहग्न और कामला की औषधियाँ आप बिल्कुल दे सकते हैं। नीरज वशिष्ठ जी ने पूछा है इंद्रलिप्त के बारे में। इंद्रलिप्त यह एक असाध्य व्याधि है, लेकिन इसको यदि नवीन हो तो ठीक किया जा सकता है। इसके लिए दंत हस्तिभस्म ये बहुत ही फेमस है, इसके लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन दंती जो भस्म है, हस्तिदंती भस्म, वो मिलती बहुत कम जगह है, लेकिन फिर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ एक लेप है जिसमें आंवला, काला तिल, मुलहठी, इसको बारीक चूर्ण करके मधु के साथ स्थानीय लेपन करें, इसमें भी लाभ मिलता है। एक दूसरा योग मैं आपको बताता हूँ अनुभूति। कनेर का जड़, कनेर की जड़ आप निकाल लें और उसको बारीक पीस लें, और पीसने के बाद मधु के साथ इसको दिन में 2 बार लगाएं, इससे भी आराम मिलता है। साथ में आड़ू तेल का नस्य भी करें, 2-2 बूंद सुबह शाम को दोनों टाइम देवें, इंद्रलुप्त में आपको आराम मिलेगा। डॉक्टर नयन जोशी जी ने पूछा है कृमिज हृदरोग को हम क्या मान सकते हैं आयुर्वेद दृष्टिकोण से। तो मैं नयन जी आपसे निवेदन कर दूं कि कभी भी हमें जो आधुनिक रोग है उनसे तुलना न करके उस रोग को अपने दोस्त दूस के कल्पना के आधार पर समझें और उसका ट्रीटमेंट दें। कृमिज रोग चरक ने, सुश्रुत ने सबने वर्णन किया है, त्रिदोषे तो हृदय रोगे हो दुरात्मा निसेवते तिलक क्षीर गुणाधीन ग्रंथिश्चाश्रु जायते मर्मयिक देशे संक्लेदम रसस्य अस्य उपगच्छति संक्लेदाद कृमेयस्य भवन्तो उपहत आत्मनाः। ये गुड़ खाने से, पिष्टमय पदार्थ खाने से इस प्रकार का कृमि रोग होने को बताया गया है। इसकी तुलना किसी आधुनिक, क्योंकि आधुनिकों ने माने नहीं है कि कोई कृमि भी हृदय रोग उत्पन्न कर सकता है, लेकिन इस कृमि रोग के लक्षण जो है तुद्यमानम सा हृदयम सूची भी वो मनते छेदमानम यथा शस्त्रे जातकंडो महारुजम हृदय रोगम कृमजम तो ये लिंगई विद्या सुधारुणा
त्वरेत जेतम तब विद्वान विकार शीघ्र कारणम। ये जरूर बताया है कि तोध होता है, सूची के बाद भेदन होता है, साथ में कंडू होती है। अगर ऐसे लक्षण मिलते हैं तो हृदय रोग क्रमिज है, ऐसा मानना चाहिए। यह बहुत कुछ जो बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है उससे काफ़ी नज़दीक है। अगर आपको तुलना करना ही है तो उस संदर्भ में आप कर सकते हैं। महेंद्र बिश्नोई जी ने थायराइड के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है, तो इस लेक्चर सीरीज में मैंने कई बार थायराइड के बारे में चर्चा की है, फिर से मैं चर्चा कर देता हूँ। एक हाइपोथायराइड और एक हाइपरथायराइड। हाइपो में कफ प्रधान रहता है और हाइपर में पित्त प्रधान रहता है। तदनुसार चिकित्सा करना चाहिए। इसका चिकित्सा सिद्धांत है वमन विरेचन, निरूह वस्ति और शिरो विरेचन, ये जरूर करना चाहिए। इसके अलावा स्लज इत्यादि लौह, शुद्ध काशीश, इनको मिला करके दिन में 2-3 बार दें तो फायदा होगा। इसके अलावा कांचनारी, कांचनाद पत्र, गोक्षुर और गिलोय और तरफला, इन सबको चूर्ण बना करके 1 चम्मच सुबह शाम आप लेवें। कांचनादि गुगुल भी 2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं अगर हाइपो हो तो। अब आइए, भावना सिन्हा ने IBS के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है, तो IBS का एक पूरा व्याख्यान हो चुका है, YouTube में आप देख सकते हैं, वहाँ पर पूरा हमने वर्णन किया है। IBS में खास तौर से पंचामृत पर्पटी कल्प का प्रयोग करना चाहिए और इसकी तुलना संग्रहणी से करते हैं तो जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट संग्रहणी का है वही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट IBS का भी होता है। लेकिन आप जो है एक योग में बताता हूँ, अनुभूत जो मैं करता हूँ, ईसब गोल 100 ग्राम, बड़ी सौ 100 ग्राम और बिल्वगूदा 100 ग्राम, इसकी बारीक चूर्ण कर लें, 1-1 चम्मच दिन में 2-3 बार देवें। साथ में उसे ग्रहणी कपाट रस, बोलभद्र रस और प्रोराल पिष्टि, इसका भी सेवन विधिवत कराएं तो इसमें निश्चित रूप से आपको आराम प्राप्त होगा। योगेश महाजन जी ने वो लिस्ट, मैंने बार बार कहा है हर्बल औषधियों के बारे में, तो मैं आप मेरे को व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको वो लिस्ट भेज दूंगा। डॉक्टर सोनाली अनिल मस्के जी ने पूछा है कि एक पेशेंट है जिसमें व्हाइट रंग के लार्वा निकलते हैं गुदमार से, एक्चुअली ये थ्रेड वर्म है, ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है और बड़ों में भी पाया जाता है, तो इसकी कृमिनाशक आप चिकित्सा करेंगे तो इसको फायदा होगा, जैसा कि मैंने कल बहुत विस्तृत ढंग से आपको बताया है। मीनाक्षी शर्मा जी ने हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में जानना चाहा है, मैंने अभी आपको बताया। अंकिता मिश्रा ने सिलियक डिसीज़ के बारे में जानना चाहा है। एक्चुअली सिलियक डिसीज़ ये स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज़ है, छोटी आंत जो ग्लूटेन नाम का तत्व होता है, पदार्थ होता है, उसके संपर्क में आने से हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं और हाइपर सेंसिटिव हो जाने से क्रैम्स होते हैं, बार बार पतली टट्टी या विबंध हो जाता है, जैसे IBS के लक्षण हैं वैसे लक्षण इसमें भी प्राप्त होने लगते हैं। तो जो IBS का ट्रीटमेंट है वही सीलियक डिसीज़ में भी हमको करना चाहिए। इसके अलावा विनोद गुप्ता जी ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। यह मानसिक क्षय की व्याधि है और निश्चित है हेरिडिटरी से आती है और असाध्य व्याधि है। प्रारंभिक स्थिति में आप इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से षष्टिकशाली श्वेद, तिल मास पिंड श्वेद, सर्वांग धारा, परिचल धारा और उद्धवर्तन, ये चिकित्सा करते हैं और साथ में अनुवासन वस्ती और नस्य का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। निरंतर यदि ये ट्रीटमेंट देते रहेंगे पंचकर्म का तो निश्चित रूप से रोगी को फायदा होता है। इसके अलावा केवाँच बीज चूर्ण और अश्वगंधा चूर्ण, ये 100-100 ग्राम ले लें, 200 ग्राम हो जाएगा, 1-1 चम्मच दिन में 3 बार इसको देवें। शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम सुबह शाम दूध में घोलकर पेशेंट को देवें। इसके अलावा एक और भीम सैनी कपूर, यह हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है इसका,
भीमसेनी कपूर 500 मिलीग्राम घृत के साथ दिन में दो बार दीजिए तो रोगी को अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। अरुणा वर्मा जी ने वातकंटक के बारे में पूछा है। वातकंटक अचानक मोच आ जाना गुल्फ संधि में या अधिक परिश्रम करने के बाद ये कभी कभी रोग हो जाता है और ये एकदम से ठीक नहीं होता, कम से कम 2-3 महीना इसमें लगता है। एक प्रकार से लिगामेंट सिंड्रोम है, लिगामेंट सिंड्रोम से इसकी तुलना की जा सकती है। रुक पादे विस्मन न्यस्ते श्रमादवा जायते यदा वाते गुल्फो मासे तमाहुर वातकंटकम। वातकंटक जिस प्रकार कांटा लग जाए वैसा वेदना होती है इस व्याधि में, तो इसमें चिकित्सा के रूप में दशांग लेप और दशमूल के द्रव्यों का लेप करें। विधिवत लेप जैसा तैयार करते हैं, लेप तैयार करते वक्त इसमें थोड़ा सरसों तेल 1 चम्मच मिला दें और इसका लेप दें और थोड़ा से बड़ा पट्टन भी कर दें। इसमें एक योग बहुत ही लाभप्रद होता है, आप चाहें तो नोट कर लें। अश्वगंधा चूर्ण 100 ग्राम, सुंठी चूर्ण 50 ग्राम और पिपली चूर्ण 25 ग्राम। अश्वगंधा 100 ग्राम, सुंठी 50 ग्राम और पिपली चूर्ण 25 ग्राम, इसकी 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार आप सेवन कराएं। आवश्यकता यदि आपके पास साधन उपलब्ध है तो पत्र पिंड श्वेत भी इसमें करा सकते हैं। भावना सिन्हा ने गृहिणी चिकित्सा के बारे में पूछा है, तो मैंने पहले भी बताया आपको कि गृहिणी के बारे में एक विस्तृत व्याख्यान हो चुका है, आप YouTube में जाकर के उसको देख सकते हैं। यदि आपको देखने में परेशानी हो तो आप डॉक्टर नवीन जोशी से संपर्क करके आप इसको देख सकते हैं। प्रतीक मिश्रा जी ने जीर्ण ज्वर और धातुगत ज्वर की चिकित्सा जाननी चाहिए। जब धातुगत ज्वर हो जाता है तो मंदक ज्वर शरीर में रहता है और कभी कभी टेम्परेचर भी प्राप्त नहीं होता है, लेकिन यह महीनों तक रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत कमज़ोर हो जाता है, खाने में इच्छा नहीं लगती, शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है। इसी प्रकार का एक पुनरावर्तक ज्वर भी होता है, जो ज्वर ठीक हो जाए लेकिन अहित आहार विहार का सेवन करे और फिर से बुखार हो जाए, फिर से ज्वर हो जाए, ज़्यादातर टाइफाइड में ऐसा होता है, तो इनकी चिकित्सा भी उन्होंने पूछी है। तो सबसे बढ़िया एक डिकॉक्शन है, काढ़ा है, किराज तिक्तम तिक्ता मुस्ता परपट को अमृता घ्रांति पीतानी चाभ्यास्यात पुनरावर्तकम ज्वरा है। ये काढ़ा जो पंचतिक्त की औषधियाँ हैं उसका काढ़े का सेवन आप 20 दिन कराएं तो धातुगत ज्वर निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। और चूँकि दौर्बल्या दे धातु नाम ज्वरो जीर्णानुवर्ते बल्या संभ्रमणी तस्मात आहारम तम उपाचरित, बल्य औषधि देना चाहिए, जैसे च्यवनप्राश है, ब्राह्मी रसायन है, अश्वगंधा रिष्ट है, ये पिलाना चाहिए। और निरंतर अमृतारिष्ट 4 चम्मच दवा 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम दें, और संजीवनी भट्टी का भी प्रयोग इसमें श्रेष्ठ है। और अगर रसयोगों में स्वर्ण बसंत मालती रस गिलोय सत्व, स्वर्ण बसंत मालती रस 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 और महाजोर अंकुश 125 मिलीग्राम, ऐसी एक मात्रा दिन में 2 या 3 बार इसको दिया जा सकता है। तो जीर्ण ज्वर या पुनर्वाष्टकवात, वहाँ पुनर्वाष्टक अगर पुनरावर्तक ज्वर हो तो मृदुभी शोधने शुद्धि यापनो वस्तु हिता हिता से लघु यूसा जांगल आमिषा रसा, वहाँ रसायन वस्तियाँ यापन वस्तियों देने का प्रावधान है। और ब्रह्मण चिकित्सा रोगी में करें। प्रतीक मिश्रा जी ने बड़ा क्वेश्चन वाजिब किया है, मैं चाहूँगा कि एक व्याख्यान जीर्ण ज्वर और धातुगत ज्वर के बारे में लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस कार्यक्रम में उत्कर्ष वर्मा जी, डॉक्टर नीरज कश्यप, कल्पना जी, रीना शर्मा जी, पंकज अग्रवाल जी, सायराम पुट्टूर, योगेश दत्त शर्मा, सुनील रतौड़ी जी, शिखा वर्मा जी, सुमित मंडल, जितेंद्र जी, सुनीता राणा, कमलेश विश्वास, सुमित जाधव, ज्योति गोधरा, नमिता कुलश्रेष्ठ, आर इंडिया, रश्मि अग्रवाल, गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, जिग्नेश जी, सपना जी, ज्वाला प्रसाद जी, मूलचंद जी और निधि जी इस कार्यक्रम को
बरोबर देख रहे हैं, प्रतिदिन देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। इसी प्रकार आप उत्साह बनाए रखेंगे तो निश्चित है हम लोगों में भी उत्साह बना रहेगा। अब आइए उदाव्रत के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। मैं उदाव्रत इसलिए खास तौर से आज ले रहा हूँ इस सब्जेक्ट को, क्योंकि उदाव्रत सुनने में तो लगता है बहुत ही सामान्य व्याधि है, लेकिन इसके व्यापक बहुत बड़े बड़े हैं। इससे उदाव्रत से मानसिक रोग, अंधापन, बहरापन, मानसिक विकार, मूर्छा, रक्तपित्त, अनेक रोग हो सकते हैं। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार हृदय रोग, कई बार हृदय होता है और जब जांच कराते हैं तो पता चलता है गैस की वजह से तकलीफ हो रही है, इसलिए उदाव्रत का जानना हम लोगों के लिए आवश्यक है। चरक सूत्र स्थान में इसका वर्णन प्राप्त होता है और 13 प्रकार के उदाव्रतों का वर्णन प्राप्त होता है। जो आधारणी वेग होते हैं उनको धारण करने से उदाव्रत की उत्पत्ति होती है। वात विंड मूत्रास क्षोद्गार बमींद्रेय है क्षुत्रष्ण उच्छ्वास निद्राणाम धृत्यो उदाव्रत संभवाः। इस प्रकार से 13 प्रकार के उदाव्रत होते हैं। चरक ने त्रिमर्मी अध्याय में चिकित्सा स्थान 26 में इसका विस्तृत चिकित्सा विधि वहाँ पर बताई गई है। और मुख्य रूप से उदाव्रत में अपान वायु की विकृत होती है। अपान वायु को स्वाभाविक रूप से अनुलोम गति से गुदा से निकलना चाहिए, लेकिन जब वो ऊर्ध्वगति हो जाती है तो उसी को उदाव्रत कहा जाता है। वेग विधारण से उत्पन्न होता है, निश्चित हो गया। भैषज रत्नावली में सिर्फ 3 प्रकार का उदाव्रत माना है, वात के अवरोध से, मूत्र के अवरोध से और पुरुष के अवरोध से। वास्तव में ये 3 प्रकार के ही ज्यादातर उदाव्रत प्रैक्टिस में देखे जाते हैं। वेग धारण से उत्पन्न वायु का प्रतिलोम होना यह उदाव्रत कहलाता है। इसके सामान्य निदान है कषाय, तिक्त, उष्ण, कटु पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, रूक्षण पान का सेवन करना, वेगों को निरंतर रोकते रहना, अति लंघन करना, अति मैथुन करना, ये सब इसके निदान हैं। कषाय तिक्तोष्ण रूक्ष भोज्य है संधारण भोजन अमैथुनश्च पक्वासे कुपित चेत पाना अधोगानी स्रोतांसी बलिचरुद्धा करोति वात विंड मूत्रम क्रमाद उदावर्त कृतः सुघोरम। ये इसकी संप्राप्ति और निदान है। इन निदानों के सेवन करने से पक्वासे में प्रकोपित अपान वायु अधोगामी स्रोतों को अवरुद्ध कर मल और अपान वायु और मूत्र का अवरोध कर देती है, परिणाम स्वरूप अपान वायु की ऊर्ध्वगति होती है, जिसे उदाव्रत हम कहते हैं। जैसा मैंने चर्चा किया, भेद 13 प्रकार के हैं, वातज, पुरीषज, मूत्रज, उद्गार, अवरोजन, छर्दी, क्षुदा, तृष्णा, जृम्भा, अश्रु, क्षवथु, शुक्र, श्वास, निद्रा आदि के वेगों को रोकने से उदाव्रत की उत्पत्ति होती है। अब आइए लक्षणों के बारे में देखें। तो वस्ती प्रदेश में, हृदय प्रदेश में, कुक्षी, उदर, इन भागों में अत्यधिक वेदना होती है। पीठ और पार्श्व में वेदना होती है। आदमान, गुदा में कैंची काटने पर वेदना, अपक को अन्न, मूत्राशय शोथ, विबंध, उदर में गांठ हो जाना, अपान वायु की गति ऊपर हो जाना, देर से और सूखे मल प्रवृत्ति का निकलना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। रुक वस्ती हृदय कुक्षी उदरस्व भीक्षणम सपृष्ठ पार्श्व हो चाति दारुणा स्याद आदमानम हृल्लास विकर्तिकाश्च सवस्ति शोथा, ये इसके सिम्टम्स हैं। अब देखिए व्यापत कितने भयंकर होते हैं, ये आप यहाँ देखिए। उदाव्रत के कारण ज्वर की उत्पत्ति, मूत्र कृक्षता, आपने देखा होगा कभी कभी मूत्र कृक्ष हो जाता है और वायु का अनुलोमन हो जाए तो मूत्र त्याग फिर हो जाता है, तो मूत्र कृक्ष, प्रवाहिका, हृदय रोग, ग्रहणी रोग, वमन, अंधापन, बहरापन, सिरासूल, आष्ठीला, मनोरोग, तृष्णा और रक्तपित्त, अरुचि, गुल्म, काश, श्वास, प्रतिष्ठाय, अर्दित और अन्न वातज भयंकर विकार की उत्पत्ति होती है। ततश्च रोगः ज्वर मूत्र कक्ष प्रवाहिका हृदय ग्रहणी प्रदोषाः वम्यांध बाधिर सरोपितापः
वातोद्राष्ठीला मनोविकारा तृष्णा सपित अरुच गुल्म काच श्वास प्रतिष्याय अर्धित पार्श्व रोगाः अन्य चरोगा बहु अनलोता भवंतो दावर कृतः सुगोराः। इस तरीके से भयंकर व्याधियों की उत्पत्ति होती है, इसलिए उदावर का डायग्नोस करके ट्रीटमेंट कर दें तो अन्य जो उत्पन्न होने वाले रोग हैं वो नहीं होते। आइए चिकित्सा के बारे में थोड़ा समझ लें। तो शरीर में वायु की वृद्धि होती है, रोगी को अंगमर्द होता है, दर्द होता है, तो उसके लिए सबसे पहले वाह अभ्यंग करना है, फिर सर्वांग स्वेदन करना है, वर्ती लगाना है, निरूह वस्ति, स्नेहपान और विरेचन, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। वाह अभ्यंग, स्वेदन, वर्ती, निरूह, स्नेहपान और विरेचन। अब आइए आगे चर्चा डिटेल में करेंगे। वाह अभ्यंग हेतु शीत ज्वर नाशक जैसे चंदनादि तैल और सहचरादि तैल, चंदनादि तैल या सहचरादि तैल से सर्वांग अभ्यंग करना चाहिए। इससे दोल शिथिल हो जाते हैं और फिर बाद में वर्ती लगा करके अनुलोम अपान वायु का अनुलोम कर देते हैं। एक वर्ती में बताता हूँ अनुभूति, अनुभूत वाला जो आप बड़े आराम से बना सकते हैं। तिल की खली, जब तिल निकल जाता है, तैल निकल जाता है, तो जो पोर्शन बचता है उसको बोलते हैं खली। तो तिल की खली, सोच और नमक, हींग, पीली सरसों, त्रिकटू और जवाक्षार। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, तिल की खली, सोचा नमक, हींग, पीली सरसों, त्रिकटू, जवाक्षार प्रत्येक 10-10 ग्राम ले लीजिए और गुड़ के साथ इसको मिक्स करिए और अंगूठे के समान वर्ती का निर्माण करिए। इस वर्ती का प्रयोग गुदा के माध्यम से आप कर सकते हैं। एक चरक ने प्रदमन गुदा, प्रदमन करना चाहिए गुदा में वायु के अनुलोमन के लिए। उसमें द्रव्य बताए हैं, कृष्ण निशोथ, मदनफल, कटुतुम्बी, पीपर, इनको समान भाग में चूर्ण बना लें। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कृष्ण निशोथ, मदन फल, कटुतुम्बी, पीपर, इनको समान भाग लेकर एक कपड़छन चूर्ण बना लें और नाड़ी यंत्र के माध्यम से गुदा में प्रदमन करें। इससे वायु का अनुलोमन, अपान वायु का अनुलोमन तत्काल हो जाता है। अगर इनसे भी ठीक ना हो तो निरूह वस्ती लगाना है। निरूह वस्ती बड़ी श्रेष्ठ है, इसमें मदन फल, वचा, कुटकी, निशोथ, अमलतास, छोटी हरण। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मदन फल, वचा, कुटकी, निशोथ, अमलतास, छोटी हरण प्रत्येक 50-50 ग्राम ले लीजिए। इनका काढ़ा लगभग 400 ml बना लें। इसमें 50 ml गोमूत्र और 50 ml गोमूत्र और 50 ml सैंधो तैल, इनको मिलाएं और साथ में कांजी 50 ml, ये बहुत आवश्यक है कांजी को मिलाना, और यवक्षार 10 ग्राम विधिवत वस्ती बना करके इस वस्ती के देने से अपान वायु की अधोगति हो जाती है और पेशेंट को जो वेदना हो रही है वो तुरंत शांत हो जाती है। निरोग करने के पश्चात विरेचन कराने का भी इसमें उल्लेख है। विरेचन से रोगी को जल्दी लाभ प्राप्त होता है और बड़े साधारण से योग है विरेचन के लिए। एरन तैल 40 ml, दही का पानी 40 ml, इसको प्रातःकाल खाली पेट में आप दें, इससे बढ़िया विरेचन हो जाएगा। विरेचन के पहले आभ्यंतर स्नेहपान भी कराना आवश्यक है। त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान 3-4 दिन जब तक सम्यक स्नेह के लक्षण न मिले तब तक करें, फिर 3 दिन स्वेदन करें, उसके पश्चात ही विरेचन कल्पों का सेवन करें। तो एक मैंने बताया आपको, एरन तैल 40 ml और दही का पानी 40 ml, ये खाली पेट में प्रातःकाल देना है। दूसरा एक योग है, गोमूत्र 40 ml और 40 ml एरन तैल, गोमूत्र 40 ml और एरन तैल 40 ml, ये प्रातःकाल इसका प्रयोग किया जा सकता है। इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। रुक्षता बढ़ने पर दशमूल तैल की अनवासन वस्ती भी आप लगा सकते हैं, आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर रुक्षता की अनुभूति हो तो 30 ml अनवासन वस्ती दशमूल तैल की आप लगा सकते हैं भोजन के बाद। अब आइए कुछ संशमन औषधियों के बारे में चर्चा करें। एक प्रसिद्ध योग है चरक का, जिसका प्रयोग आपको करना चाहिए, जिसको बोलते हैं द्विरोत्तर हिंगवादी चूर्ण, द्विरोत्तर हिंगवादी चूर्ण। इसमें औषधियाँ हैं जो आसानी से आपको मिल जाएंगी, हींग 1 भाग, वचा 2 भाग, चित्रक
चार भाग, कूट आठ भाग, सज्जी छार 16 भाग, विडंग 32 भाग। इसका कपड़ छूण कर लें, फिर से मैं बोल देता हूँ, हींग एक भाग, वचा दो भाग, चित्रक चार भाग, कूट आठ भाग, सज्जी छार 16 भाग और विडंग 32 भाग। इनको कपड़ छूण तैयार करके कांच की शीशी में भर लें और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम को भोजन के 2 घंटा पहले या 2 घंटा बाद आप इसका सेवन कराएं। इसके सेवन से उदावर्त, अनाह, हृदय रोग और गुल्म रोग की शांति मिलती है। इसके अलावा हिंगोष्टक चूर्ण, शिवा क्षार पाचन चूर्ण, पंच लवण ये आपको ज्ञात है, इनका भी आप सेवन भोजन के 2 घंटे बाद या 2 घंटे पहले करा सकते हैं। अभ्याजक मोदक बटी, अभ्याज मोदक बटी ये भी बहुत अच्छी बटी है, इससे तुरंत अपान वायु का अनुलोमन हो जाता है और यदि कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट है उसके लिए भी बहुत ही उम्दा दवाई है ये अभ्याजी मोदक बटी। आसो अरिष्ट में पिपल्यासो, जीर का अध्यारिष्ट और अभ्यारिष्ट इनका प्रयोग किया जा सकता है। चित्रकारी बटी भी बहुत ही अच्छी है दीपन पाचन के लिए और इससे भी उदावर्त में लाभ प्राप्त होता है। रस औषधियों में जो मेरा अनुभव है वो मैं आपको बता रहा हूँ, गुल्म कालानल रस 250 मिलीग्राम, गुल्म कालानल रस 250 मिलीग्राम, अश्वकंचकी 60 मिलीग्राम, अश्वकंचकी 60 में इसमें 2 योग हैं, एक तो गुल्म कालानल रस 250 मिलीग्राम और अश्वकंचकी 60 मिलीग्राम, इनको मिला करके सुबह और शाम जब 2 दिन आप देंगे, पहले एक खाली पेट में दिया जाता है, तो अश्वकंचकी में रेचक द्रव्य है, कभी कभी ऐंठन युक्त मलब प्रवृत्ति होती है, तो पेशेंट को पहले से बता दें, थोड़ा कष्ट होगा लेकिन 3-4 दिन लेने के बाद फिर उसको अभ्यस्त हो जाता है, किसी को परेशानी नहीं होती है। तो इसमें चाहें तो अग्नि कुमार रस भी मिला लें दीपन पाचन के लिए, अग्नि कुमार रस 125, पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ, गुल्म कालानल रस 250 मिलीग्राम, अश्वकंचकी 60 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम, ऐसी 2 मात्राएं या 1 मात्रा ही सफिशेंट होती है इसके लिए, लेकिन जब वो अभ्यस्त हो जाए तो 2 बार आप देवें। दूसरा योग है इच्छा भेदी रस 60 मिलीग्राम, शंख भस्म 250 मिलीग्राम और हिंग वस्त्र चूर्ण 5 ग्राम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, इच्छा भेदी रस 60 मिलीग्राम, शंख भस्म 250 मिलीग्राम और हिंग वस्त्र चूर्ण 5 ग्राम, ये ऐसी 1 मात्रा है, दिन में 2 मात्रा आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं। पर ध्यान रखिए इच्छा भेदी भी रेचक है ज़्यादा और अश्वकंचकी भी रेचक है, इसलिए पेशेंट की कंडीशन के आधार पर पेशेंट को 1 बार या 2 बार इन औषधियों का सेवन आप करा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपके समक्ष उदावर्त के बारे में कुछ जानकारी दी, साथ में चिकित्सा की जानकारी दी, आप इनका प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक योग और भी हम देते हैं, पेशेंट को बता देते हैं कि स्याह जीरा 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम और छोटी हरड़ 50 ग्राम, 3 चीज़ें, अजवाइन 50 ग्राम, छोटी हरड़ 50 ग्राम और स्याह जीरा 50 ग्राम, इनको थोड़ा से हल्के भून लीजिए थोड़ा घृत के साथ और इसका बारीक चूर्ण कर लीजिए और इसमें स्वाद के आधार पर काला नमक मिला लीजिए। यह भी चूर्ण बहुत उपयोगी है, जिनको ऊर्ध्वगति होती है, जिनको हमेशा डकार बना रहता है, तो ये गर्म पानी से इसका सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से इसको लाभ प्राप्त होगा। चलिए, आपने अपना समय निकाल कर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न अवश्य पूछें, यह मेरी आकांक्षा रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।